थाना छाता पुलिस ने भरतपुर राजस्थान से 4,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को 3 किलो अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशीली वस्तुओं का कारोबार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना छाता पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई जब छाता पुलिस द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2020 को शेरगढ़ तिराहे कस्बा छाता पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान खोह जिला भरतपुर राजस्थान से 4,000 रुपये के इनामी अभियुक्त तौफीक पुत्र सुलेमान को गिरफ्तार किया है। तौफीक कस्बा व थाना ऊंटावर जनपद पलवल हरियाणा के निवासी थे। वहीं बरामद गांजा की कीमत लगभग 30,000 रुपये है। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अधीक्षक महोदय मथुरा के निर्देशानुसार लगातार जो नशीली वस्तुओं का जो कारोबार करते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है। उसी के तहत थाना छाता की टीम चेकिंग कर रही थी शेरगढ़ तिराहे पे और एक व्यक्ति उनको संदिग्ध हालत में चलता हुआ मिला, जिसके पास 2 पॉलीथीन थी। जब उसको रुकवा कर उसकी चेकिंग की गई तो उसके पास से 3 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये है। और इसका नाम जो इसने अपने जो नाम है इसका तौफीक पुत्र सुलेमान है। थाना को भरतपुर से इसके ऊपर 4,000 रुपये का इनाम है और पलवल में उटावर थाना पड़ता है, उटावर ही इसका गाँव है, वहाँ पर भी इसके खिलाफ 376D 307 के कई मुकदमे हैं और छाता पुलिस द्वारा यह एक सराहनीय कार्य किया गया है। और ये जो नशीली वस्तुओं का जो कारोबार है इस पर अंकुश लगता है ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से।